अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। राजेंद्र भैया भी सभी पार्षदों का स्वागत। हाँ, हम दोनों हो गया वो। उपस्थित हम सबकी श्रद्धा की चयन जिनके नेतृत्व में हम सब लोग काम करते हैं, जैसे हमारे देवास के लोकप्रिय विधायक परम श्रद्धेय राजमाता साहब, हमारे देवास के यशस्वी एवं ऊर्जावान जिलाध्यक्ष आदरणीय राजू भैया खटेलवान जी, नगर निगम के हमारे प्रशासनिक मुखिया आदरणीय रजनीश कसेरा जी, उपस्थित हमारे सभी MIC के साथी गणेश पटेल जी, राम यादव जी, शीतल गहलोत जी, पार्षद राजेंद्र ठाकुर जी, ऋतु सौम्यर जी, पूर्व पार्षद यशवंत जी, महेश फुलेरी जी, रामचरण जी, राहुल जी, मुकेश जी, हमारे MIC के जितेंद्र मकवाना जी, बुलाओ उसकी तैयारी रात को 11 बजे हुई और राजमाता साहब के निर्देश पे आज हम वर्चुअली भूमि पूजन एक जगह बैठ के कर रहे हैं, लेकिन इसका काम भी शीघ्र शुरू होगा, जिसमें फेज 2 में कायाकल्प में 16 सड़कें हमारी डामरीकरण से होगी, जो 1,91,00,000 रुपये से बनने वाली है। ये डामरीकरण वार्ड क्रमांक 8 निमाड़ नगर में 20,30,000 का है, वार्ड क्रमांक 12 चाणक्यपुरी में 11,30,000 का है, वार्ड क्रमांक 13 भीमा हॉस्पिटल राजीव नगर वाला 10,50,000 का है, फिर वार्ड क्रमांक 13 में मेहनती से मल्टी तक ये 15,15,00,000 रुपये में डामरीकरण होगा। इसी प्रकार वार्ड क्रमांक 18 लालाजी की दुकान से शासकीय स्कूल बावड़िया तक ये करीब 4,00,000 रुपये का है, फिर वार्ड क्रमांक 21 गंगा नगर में शारदा माता मंदिर के पास डामरीकरण नवीनीकरण ये 12,00,000 का है, फिर वार्ड क्रमांक 22 प्रेम नगर पार्ट 2 में डामरीकरण 14,15,000, वार्ड क्रमांक 24 रामनगर चौराहे से मिश्रा जी के घर तक 3,00,000 का है, फिर वार्ड क्रमांक 25 एकता ट्रांसपोर्ट से सिंचाई विभाग तक डामरीकरण से 8,00,000 का काम होगा, फिर वार्ड क्रमांक 26 खंडेरिया जी के निवास से पूजा डेयरी तक डामरीकरण 15,15,000 का है, फिर वार्ड क्रमांक 28 कर्मचारी कॉलोनी मेन रोड पर डामरीकरण 10,00,000 का, फिर वार्ड क्रमांक 30 उमाकांत कॉलोनी में मेन रोड पर डामरीकरण करीब 5,00,000 का, वार्ड क्रमांक 33 विश्रामबाग राधागंज में डामरीकरण 12,15,000 से, फिर वार्ड क्रमांक 40 शांतिपुरा में डामरीकरण 15,15,000 से, फिर वार्ड क्रमांक 43 गणेशपुरी कॉलोनी में डामरीकरण करीब 20,55,000 से, और वार्ड क्रमांक 43 में हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में डामरीकरण से नवीनीकरण करीब 14,15,000 का। पुनर्घनत्वीकरण योजना के तहत शासन से पूरा स्वीकृति मिल चुकी है और उसका भी वर्चुअली आज हम राजमाता साहब के हाथों भूमि पूजन करने वाले हैं, जिसके अंदर जो काम होने वाले मैं आपको बता दूं, हमारा वार्ड क्रमांक इसमें एक चरण में पहले 6,50,00,000 रुपये के विकास कार्यों का राजमाता साहब के हाथों भूमि पूजन हुआ था और वो कार्य प्रगति पर है। अब द्वितीय चरण में रिडेंसिफिकेशन में इसमें करीब 13,00,00,000 रुपये के काम होना है, जिसका आज भूमि पूजन यहाँ पर वर्चुअली होगा। इसके साथ में भगवती सराय एवं पार्किंग स्थल और अन्य विकास कार्य, जिसमें ऑडिटोरियम भी बनना, सत्संग हॉल भी बनना, रूम भी बनना, पूरा प्रोजेक्ट उसका बन के तैयार है, ये करीब 8,00,00,000 रुपये से बनेगा। इसके साथ ही 3 झोन कार्यालय हमारे शहर में 15-15 वार्डों के झोन बनाए हैं, वो तीनों झोन कार्यालय भी बनने वाले हैं, करीब 2,25,00,00,000 की लागत से तीनों झोन कार्यालय बनेंगे। इसके साथ ही MR बनेगा, हमने इसमें MR हमारा एक नंबर का MR है, जिसको हम बनाने वाले हैं, 8,06,00,000 रुपये की लागत से आज उसका भी भूमि पूजन होगा।
तो ये रिडेंसी पिटिशन के करीब 39 करोड़ 34 लाख रुपए के काम का आज राजमाता साहब के हाथों भूमि पूजन होगा, जिसके अंदर सभी स्थानों का चयन हो चुका है। राजमाता साहब हमारे झोन क्रमांक 1 की जगह में अभी थोड़ा सा डिस्प्यूटेड है, जगह तो तय हो गई थी पर कहीं ना कहीं कानूनी अड़चन आ रही है तो वो डिस्प्यूटेड है अभी। बाकी वार्ड क्रमांक 2 का उज्जैन रोड डिपो के पास में झोन कार्यालय बनेगा। वार्ड क्रमांक 3 जवाहर नगर में पुरानी पानी की टंकी जहाँ पर थी उसको तोड़ दिया है, वहाँ पर 3 नंबर झोन कार्यालय बनेगा। और 1 नंबर में अभी जगह को लेकर थोड़ा सा विवाद है प्रशासन की दृष्टि से, तो उसको क्लियर करके झोन नंबर 1 भी बनेगा। तो ऐसे आज करीब 45 करीब 45 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन माननीय विधायक जी माननीय जिलाध्यक्ष जी के हाथों आज हम करने वाले हैं। आप सब चूंकि आप पार्षद साथियों के वार्डों में काम होने वाला है तो आप सबको ढेर सारे बधाई शुभकामनाएं, और आगे के मार्गदर्शन के लिए मैं जिलाध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा कि वो हमें इस अवसर पर सभी पार्षदों का हमारा मार्गदर्शन करें। सीमेंट कॉन्क्रीट रोड के काम है, करीब 12 सड़कें हैं जो 3.25 करोड़ रुपए से हमारी 12 सड़कों का नया जीर्णोद्धार होगा। वो 12 सड़कों की भी मैं लिस्ट पढ़ देता हूँ। वार्ड क्रमांक 2 तुलजा विहार में पानी की टंकी से रविदास नगर शासकीय स्कूल तक करीब 80,30,000 का सबसे बड़ा काम, 80 लाख का। फिर वार्ड क्रमांक 7 विशाल नगर में 40 लाख से। फिर वार्ड क्रमांक 8 शिव नगर में सीसी रोड निर्माण करीब 20 लाख से। फिर वार्ड क्रमांक 15 अमोना इमली चौक में करीब 19.5 लाख से। फिर वार्ड क्रमांक 16 बिंजाना शमशान एवं बिंजाना ईंट पट्टा कार्य सीमेंट नट मोहल्ला करीब 37.5 लाख से। फिर वार्ड क्रमांक 19 ईश्वर नगर में 18.5 लाख से। वार्ड क्रमांक 21 गंगानगर में अविनत होटल के पीछे करीब 7.5 लाख से। फिर वार्ड क्रमांक 23 कालानी बाग बी सेक्टर अमिताभ शुक्ला जी के घर के सामने ये सीमेंट कंक्रीट 20 लाख से। फिर वार्ड क्रमांक 24 और 25 दोनों को मिला के सिविल लाइन थाने से चाणक्यपुरी क्रॉसिंग तक करीब 25 लाख का सीमेंट कंक्रीट का काम है। इसी के साथ वार्ड क्रमांक 25 में एमपीडी कार्यालय से बाबू हलवाई की दुकान तक 9.5 लाख से। फिर वार्ड क्रमांक 30 शक्ति नगर में सीमेंट कंक्रीट 19 लाख से। इसके साथ ही वार्ड क्रमांक 45 नागदा की विभिन्न गलियों में सीमेंट कंक्रीट कार्य करीब 20 लाख से। ऐसी 12 सड़कें 3.25 करोड़ की संख्या में हमारी राजमाता साहब आज वर्चुअली भूमि पूजन करेंगे। इसके साथ ही हमारा देवास का एक सभी को नमस्कार। आज नगर निगम देवास द्वारा हमारे क्षेत्र के विधायक माननीय राजमाता जी के नेतृत्व में जो वर्चुअली भूमि पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, इस कार्यक्रम में आज हमारे बीच में उपस्थित हमारे देवास की सक्रिय ऊर्जावान मातृत्व नेतृत्व करने वाली आदरणीय राजमाता जी, विधायक प्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय प्रदेश अग्रवाल जी, अग्रवाल जी ने यहाँ पर बताइए देवास शहर का चौमुखी विकास, निरंतर विकास, सबको सुविधा देने वाला विकास निरंतर नगर निगम देवास द्वारा चल रहा है। आदरणीय राजमाता जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से कायाकल्प में एक इतिहास देवास में नजर आने लगा है और चौड़ी चौड़ी सड़कें और उनका पुनरुत्थान और वापिस से उनका जो सीवरेज के पास कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत डेमेज हो गई थी, उन सड़कों पर अछूता नहीं छोड़ा है, एक भी वार्ड से हमने भेदभाव नहीं किया है कि ये कांग्रेस का वार्ड है या भाजपा का वार्ड है या हमारा पसंदीदा है या ये नहीं है। हर वार्ड में बराबरी से सड़कें बांटी गई हैं, बराबरी से विकास कार्य हुए हैं। और मैं मानती हूँ अभी तक 2 हफ्ते पहले मुझे जो आंकड़ा भोपाल से आया था
वो था 3000 किलोमीटर सड़कें देवास में, छोटी बड़ी एबी रोड, बाईपास, गली मोहल्लों की सड़कें, वार्डों की सड़कें, सब मिला के 3000 किलोमीटर सड़कें बन चुकी थी। मैं मानती हूँ कि 15 दिन में हमने उसी रिकॉर्ड को वापस तोड़ के बहुत आगे निकल गए। तो आज मैं बता नहीं पाऊंगी कि कितने हज़ार किलोमीटर सड़कें बनाई हैं, पर मैं इतना बोल पाऊंगी कि 3000 किलोमीटर से तो बहुत ज़्यादा सड़कें हम एक 5 सालों में बना पाए हैं। 5 साल में से 1.5 साल निकाल दीजिए कांग्रेस के कार्यकाल की जब कोई काम नहीं हुआ। 3.5 साल में हमने उल्लेखनीय विकास कार्य करके देवास की जनता को दिया है। 2018 के चुनाव से पहले इसी सभागृह में हम लोग बैठे थे, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक बैठक हुई थी, उन्होंने एक विजन बोर्ड तैयार किया था कि अगले 5 साल सरकार आने के बाद हम क्या काम करेंगे। मुझे बताते हुए खुशी होती है कि उन कामों को हम बहुत पहले कदम कर चुके हैं और उसके बाद हम कम से कम 10 गुना ज़्यादा काम कर चुके हैं और अभी भी कर रहे हैं। यानी ऐसे है कि आचार संहिता लगने वाली है पर हमारी लोकार्पण और भूमि पूजन की झड़ी खत्म नहीं हो रही है और मैं मानती हूँ उसके बाद भी ये काम चलता रहेगा। काम की गति को दुगनी करने का वादा किया था इस सरकार ने और उसमें संकल्पित होके हमने इस गति को दुगनी चारगुनी की है और ऐसा ही काम करते रहेंगे। ये नगर निगम को मैं बधाई देती हूँ क्योंकि जिस स्पीड से आपको ऊपर से आदेश आ रहे हैं, पैसा आ रहा है, उस स्पीड से आप लोग काम कर पा रहे हैं, भूमि पूजन कर पा रहे हैं, लोकार्पण कर पा रहे हैं और लोकार्पण भूमि पूजन का कार्यक्रम किया है। अभी तक हम देखते थे कि मुख्यमंत्री जी भोपाल से, अन्य जिला मुख्यालय से मुख्यमंत्री जी ही या देश के प्रधानमंत्री मोदी जी वर्चुअली भूमि पूजन करते थे, लेकिन आज देवास नगर निगम ने भी रिकॉर्ड बनाया और कीर्तिमान स्थापित किया है कि हमने 16 सड़कें डामरीकरण से, जो हमारे 45 वार्ड में से अलग अलग वार्ड हैं, वहाँ करीब 2 करोड़ की लागत से हम डामरीकरण का काम करने वाले हैं। इसके साथ ही 12 सड़कें सीमेंट कॉन्क्रीट की, जो करीब 3.25 करोड़ की लागत से सीमेंट कॉन्क्रीट होने वाला है। इसी 16 और 12 में 28 सड़कों का हमने 5 करोड़ की लागत से डामरीकरण और सीमेंट कॉन्क्रीट की सड़कों का भूमि पूजन किया है। इसके साथ ही हमारी नगर निगम की पुरानी बिल्डिंग को पुनर्घनत्वीकरण योजना में हमने लिया था, उस पुनर्घनत्वीकरण योजना के तहत हमारा जो ISBT चल रहा है काम, प्रथम चरण में हमने 6.5 करोड़ का भूमि पूजन किया था जिसका काम चल रहा है। आज द्वितीय चरण में करीब 13 करोड़ की लागत से हम ISBT के काम का भी भूमि पूजन किया है द्वितीय चरण का। इसके साथ हम भगवती सराय, जो हमारा भोपाल चौराहे के पास स्थित है, इसको हम पूरा रिनोवेट कर रहे हैं। वहाँ पे प्रवचन हॉल बनेगा, ऑडिटोरियम बनेगा, पार्किंग बनेगी, वहाँ पर भक्त निवास बनेगा, आने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए कमरे बनेंगे, उस सब का भी भूमि पूजन किया है। इसके साथ हम MR1 उसको भी सीमेंट कॉन्क्रीट बनाने वाले हैं। इसके साथ ही हमारे नगर निगम के हमने देवास शहर में 3 जोन कार्यालय तय करे हैं। चूँकि हमारे देवास वासियों को अभी कोई भी काम होता है तो मुख्यालय नगर निगम कार्यालय आना पड़ता है, लेकिन हमने उनकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए 3 जोन कार्यालय प्लान किए और उन 3 जोन कार्यालय का भी आज हमने भूमि पूजन किया है। इसके साथ में हमने हमारे परियोजना से मीठा तालाब पे करीबन 3.5 करोड़ रुपये से वहाँ का उन्नयन कर रहे हैं, जिसमें तार फेंसिंग होगी, सौंदर्यीकरण होगा, पाथवे होगा, पिचिंग होगी, इस प्रकार के कार्य हमने बालगढ़ तालाब में हम करीब 1.5 करोड़ से इसी प्रकार का काम करने वाले हैं। राजानंद तालाब पे हम काम करने वाले हैं। लगातार इस प्रकार के विकास कार्यों की श्रृंखला जो देवास में चल रही है, करीब 45 करोड़ से ज़्यादा के काम में भूमि पूजन किया है। इसके साथ ही हमने हमारे देवास नगर में झुग्गी बस्ती में रहने वाले गरीब लोग, जिनके मकान तो उन्होंने बना लिए थे पर हमेशा उनके सर पर तलवार लटकी रहती थी कि अतिक्रमण में घर बनाए कब टूट जाएगा, कब उनको परेशान होना पड़ेगा, उस बात को दृष्टिगत रखते हुए हमने देवास शहर में चिन्हित किए उन लोगों को आज पट्टा वितरण का भी कार्यक्रम किया है और आज मैं उनको बधाई शुभकामनाएँ देता हूँ कि आज वो सब उस प्लॉट के मालिक बन चुके हैं, हमने उनको स्थायी पट्टे दिए हैं, इसके लिए उन्हें भी बधाई शुभकामनाएँ। और आपके चैनल के माध्यम से देवास शहरवासियों को भी मैं इस सौगात के रूप में बधाई और शुभकामनाएँ देता हूँ। ठीक है।